आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भागवत गीता में भोले शंकर पार्वती का स्वांग रचकर पांडाल में कलाकारों द्वारा नृत्य का आनंद लेकर जमकर श्रोता झूमे। बिस्टान नगर में विदित रहे भागवत कथा का वाचन सोमवार से किया जा रहा है। इससे पूर्व बालिका द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। बग्गी में विराजित बाल कथा वाचक संत दीपिका व्यास का जगह जगह पुष्पों से स्वागत हुआ। कथा समिति टांटिया मोहल्ला में मंगलवार कथा के दूसरे दिन शिव पार्वती विवाह प्रसंग व्यास पीठ से बाल संत दीपिका व्यास ने सुनाया। कहा, शिव जी अलख निरंजन है, उनको रिझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान शिव सरल सहज भक्ति भाव से भक्तों को मिल जाते हैं। मनुष्य का पुण्य उदय होने पर भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह देखने और प्रसंग सुनने को मिल जाता है। बाल संत दीपिका व्यास ने बताया कि किस्मत वाले होते हैं जो विवाह देखते हैं। कथा श्रवण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। कथा के दौरान जितेंद्र व्यास नानाखेड़ा और जैन के समुद्र भजन सज रहे भोले बाबा निराले झूले में पर कथा में मौजूद श्रोताओं के कदम थिरकने लगे। कथा में माता पार्वती शिव जी के विवाह का सजीव चित्रण किया गया। बुधवार को कथा के तीसरे दिन जड़ भरत की भगवान के प्रति असीम भाव का प्रसंग सुनाया जाएगा। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।